स्वागत है। खबर बूंदी से लेते हैं, जहां एक बेटी ने अपने पिता की पगड़ी अपने सिर पर धारण कर एक अनोखी पहल की है, समाज की दकियानूसी परंपरा को ठेंगा दिखाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक बेटी की पहल, बदल दिया परंपरा को, खूब झेला समाज का विरोध। बेटे की जगह ली बेटी ने, पिता की पगड़ी सजी बेटी के सिर। हमारे समाज में सदियों से खानदान की परंपरा निभाने का दारोमदार एक बेटे पर रहा है, लेकिन इस बेटी ने इस परंपरा को बदल डाला। जी हाँ, त्रिशला ने अपने पिता की मौत के बाद खुद पगड़ी बांधने की रस्म अदा की। रिश्तेदारों और समाज के विरोध के बावजूद माँ और बेटी अपने निर्णय पर अड़े रहे। त्रिशला की माँ का कहना था कि जब इनके पिता ने बेटी और बेटी में कोई अंतर नहीं किया, तो मेरी बेटी का जो हक है उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ जब पिता के सिर की पगड़ी बेटे की बजाय बेटी के सिर बंधी हो। वहाँ के लोग रीत और रिवाज करते हैं, तो ये पगड़ी का भी हमने सुना कि देहांत होने के बाद बड़े लड़के को पगड़ी मिलती है, तो हमने इसके ऊपर गौर किया और सोचा और समझा कि हमारे लड़का नहीं है तो ये अधिकार हमारी बड़ी बेटी से छीनना नहीं चाहिए। बेटा बेटी एक समान है और मेरी मम्मी ने पगड़ी पहना के मुझे वो अधिकार दिया है जो मेरा हक है। अमृता के घर पगड़ी बधाई का दस्तूर पूरे गांव वालों को खटकता रहा, लेकिन माँ बेटी का दृढ़ निश्चय सफल हुआ। अमृता का कहना है कि बेटी और बेटी में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने कोई अंतर नहीं किया तो हम इंसान भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? आज जो भी मैं हूँ, मैं अपने फादर की वजह से हूँ। उसने मेरा बहुत साथ दिया है, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, जो भी मैं चाहती थी। वो कभी ऐसे नहीं समझते थे कि मैं एक लड़के से कम हूँ। वो जो भी मैं चाहती थी वो मेरा पूरा साथ देते थे। लड़कियों की काउंट भी कम होती जा रही है, डिस्पैरिटी बहुत होती जा रही है मेल एंड फीमेल्स में, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से बहुत सोशल इविल्स भी आ रहे हैं, तो इसीलिए, क्योंकि हम खुद को पूरा अधिकार नहीं देते, तो जिनकी लड़कियां होती हैं वो सोचते हैं कि तो बोझ है। बिल्कुल बोझ नहीं है, हम अधिकार देंगे तो वो बोझ कभी नहीं बनेंगे। बेटियों को हीन दृष्टि से देखने वाले समाज को अमृता जैसी माँ की जरूरत है, जो खुद आगे आकर समाज की कुरीतियों, महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव और अत्याचार का विरोध करे, तभी इस समाज को सही दिशा मिल पाएगी। अरविंद ओझा, सहारा न्यूज ब्यूरो, बूंदी।